कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल मचा है। दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बवाल के दौरान यहां आगजनी भी की गई है। तस्वीरें कोल्हापुर से सामने आई हैं, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, दरगाह से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची थी, इस दौरान कुछ संगठन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद कुछ उपद्रवी लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव किया गया, हमला किया गया। देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की कोशिश भी की गई। तो देखिए, अतिक्रमण हटाने को लेकर कैसे यहां पर बवाल हुआ है। प्रशासन की टीम पहुंची थी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व जो है वहां पर पहुंच गए और इन लोगों ने यहां जमकर बवाल काटा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि कुछ लोगों के हाथ में आपको लाठी डंडे भी नजर आ जाएंगे, साथ ही साथ आगजनी की कोशिश भी यहां की गई। अपने चेहरे को ढक रखा है इन लोगों ने और यहां जमकर इन्होंने बवाल काटा। दरअसल जो टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए, उस पर हमला किया गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है। पुलिस के एक्शन में आते ही उपद्रवी कैसे भागते नजर आए हैं, आप देखिए। हालात को काबू में करने के लिए यहां पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा है। लाठीचार्ज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब मुंह पे कपड़ा बांधे, हाथों में लाठी डंडे लेकर कुछ जो उपद्रवी लोग थे वहां पर पहुंचे थे माहौल बिगाड़ने की कोशिश के लिए। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और यहां लाठी चार्ज पुलिस ने किया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जरा इन दो तस्वीर को देखिए। कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने एक तरफ मोर्चा संभाला हुआ है, उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यही उपद्रवी कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला किया गया है। कुछ लोग आपको भीड़ में नजर आ जाएंगे जिन्होंने अपना चेहरा भी ढक रखा था, लाठी डंडों से लैस होकर ये आए थे और यहाँ जो टीम पहुंची थी उसके ऊपर अटैक किया गया है, पत्थरबाजी की गई है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर लाठीचार्ज किया गया है, लोगों को हिरासत में भी लिया है।